वेलकम गाइज, जे के लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जे के लोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, हमारा केमिस्ट्री चल रहा था रसायन विज्ञान, और पहला क्वेश्चन ही पार्ट सेकंड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% चांस है, क्योंकि अर्धायु यानी कि आपकी हाफ लाइफ पीरियड है ना, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो आपका फिर बी एस नर्सिंग का हो या फिर आपके पैरामेडिकल का हो या फिर फार्मेसी का हो, क्वेश्चन बनता है हाफ लाइफ पीरियड से। ठीक है, तो देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता एक घंटे में 25% तक कम हो जाती है, अभिक्रिया का अर्धायुकाल है। इन द पिस्ट और रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस टू 25% इन ऑफ 1 hours, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आंसर पाइए, यही फंडा है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। अब फॉर्मूला, अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे सर हमें तो फॉर्मूला पता नहीं है, अब ये आपकी कमी है। देखो फॉर्मूला आपको पता नहीं है, बताने के लिए तो हम आपको बता देंगे अभी तो, बट आपको खुद से ये वादा करना चाहिए कि हम सारे फॉर्मूले एक पेज में लिखने हैं या फिर एक कॉपी या फिर आप नोट्स बना सकते हो खुद का, जिसमें आप फॉर्मूले लिख सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री के, राइट। सो इसके लिए अभी तो हम आपको फॉर्मूले बता देते हैं, चलो। सो गाइज, आप ये अप्लाई कर सकते हो हाफ लाइफ डीके कांस्टेंट, या फिर आप ये अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर जो लिखे हुए ये चीज़ आपको पता होनी कंपलसरी गाइज, तभी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने होंगे, या फिर आप ये कर सकते हो। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले गाइज, ठीक है, तो ये आप अप्लाई कर दीजिए, आपकी बुक में दिया हुआ है। चलिए, सो गाइज, ईमानदार से फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और रब पेज पे इसको करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, हाफ आवर्स या फिर 2 hours या फिर 4 hours या फिर 1/5 hours, जो भी आपका आंसर आया हो मैच करा के टिक लगा दो। इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने आप पर विश्वास होगा कि आता है हमको, और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में समय की बचत होगी, कम टाइम में आप इजीली कर पाओगे। सो आपने कर लिया होगा, लेट मी चेक इसका आंसर क्या होगा। अर्धायुकाल आपको बताना है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाफ आवर्स यानी कि 1/2 घंटे यानी कि आवर्स, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे, न्यूमेरिकल आज थोड़े से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और थ्योरी भी आती है, सो हमारा फर्ज है कि आपको सारी चीज़ें करवाई जाए। 37 के बराबर द्रव्यमान संख्या वाले ऋणायन एक्स में नकारात्मक आवेश की एक इकाई है, यदि ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की तुलना में 11.2% अधिक न्यूट्रॉन है तो ऋणायन का प्रतीक क्या है। ऑप्शन आपके सामने हाजिर है, सिंबल ऑफ द एनायन। लगाइए टिप, आपकी जो भी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग लगाइए, 11th 12th में आपने जो भी पढ़ा होगा थोड़ी बहुत नॉलेज तो आई होगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टिक लगाना है, आपको एनालिसिस होगा कि कितनी गहराई में हो आप। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 17x37, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा। चलिए जी आगे, थ्योरी आ गई। निम्न में से किस स्थिति में एंट्रोपी घट जाएगी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल एंट्रोपी बी डिक्रीज, अंडे का सख्त उबाल हार्ड बॉइलिंग, एक यौगिक का अपघटन, रबर बैंड का तनन या फिर जल का वाष्पीकरण। किस कंडीशन में आपको बताना है कि एंट्रोपी घट जाएगी, पढ़ा होगा आपने 12th में एंट्रोपी, बता दीजिए फिर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रबर बैंड का तनन, ठीक है, इस स्थिति में एंट्रोपी घट जाएगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। निम्न में से कौन सा सबसे स्थिर द्विपरमाणु जाति स्पीसीज है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोविंग इज द मोस्ट स्टेबल डायटोमिक स्पीसीज, N2, O2, O2- या फिर O2, इस तरह द्विपरमाणु जाति है, विच ऑफ द फ्लोविंग
इज द मोस्ट स्टेबल डायटोमिक स्पीशीज। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका N2। ओके अगला क्वेश्चन। और गाइज अगर आपको एक दिन में कितने वीडियो चाहिए बता देना, 2 चाहिए 3 चाहिए, देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देख पाते हो या फिर नहीं। हम तो अवेलेबल करवा देंगे, आप बोलोगे जितने। हमारे ख्याल से अगर मॉर्निंग में केमिस्ट्री और इवनिंग में फिजिक्स हो जाए तो बेटर रहेगा आपके लिए भी। और बायोलॉजी 2 दिन में किसी एक दिन अपलोड कर देंगे दिन में, ठीक है, आप जैसे बोलोगे आपकी सुविधा के अनुसार। निम्न में से कौन सा यौगिक 60% KOH के साथ गर्म होने पर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का एकलवण देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन हीटेड विथ 60% KOH वुड गिव ए एल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? बेंजाल्डिहाइड, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनॉन या फिर ब्यूटेनल? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बेंजाल्डिहाइड। चलो जी, निम्न में से किस संक्रमण धातु में अंतिम कोष के एक्स कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता? विच ऑफ द फ्लोविंग ट्रांसिजनल मेटल हैज नो इलेक्ट्रॉन इन द यस ऑर्बिटल ऑफ द यूनाइट में, यानी कि आपको बताना है कि यस कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ऑप्शन आपके सामने हाजिर है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहले ईमानदार से लगाओ आंसर टिक। वेरी गुड, आपने लगा दिया होगा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो हो आप। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पैलेडियम 46, ठीक है, यानी कि इस धातु के अंतिम कोष के यस कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन आ जाता है और आपने पढ़ा हुआ है। ईजी भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं, मिडल भी आते हैं, सभी प्रकार के आते हैं। तत्वों के निम्नलिखित में से कौन से युग्म में इलेक्ट्रॉन के सममित वितरण के कारण स्थिरता प्राप्त करने के लिए विसंगतिपूर्ण इलेक्ट्रॉन विन्यास है? जेड मान सहित तत्व पी क्यू आर और एस क्रमशः यहाँ पर दिया हुआ है 27, 29, 24 और 22 के समान है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्यू और आर। चलो जी आगे, निम्न में से कौन सा गुणधर्म कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा नहीं दर्शाया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट शो बाई कार्बन मोनोऑक्साइड? यह एक उदासीन ऑक्साइड है, यह प्रकृति में प्रतिचुंबकीय है, यह CO2 निर्माण के लिए गर्म करने पर O2 के साथ अभिक्रिया करती है, या फिर इसकी आबंध कोटि 2.5 के बराबर है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका इसकी आबंध कोटि, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जिसको बोल दें, 2.5 के बराबर है। अगर नॉलेज होगी थोड़ी सी भी आपको इसके बारे में तो आप इजीली कर पाओगे, और बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। देखो, निम्न में से कौन सा युग्म विषम देशिकता यानी कि एनाइसोट्रॉपिक दर्शाएगा? विच अमंग द फॉलोइंग पेयर विल शो एनाइसोट्रॉपी? CF2 और ZNS, कांच और लकड़ी का कोयला, प्लास्टिक और ग्रेफाइट, हीरा और लकड़ी का कोयला। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CaF2 और ZNS। ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं गाइस आपके एंट्रेंस एग्जाम में, बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। लेवल ये रहता है जो आप देख रहे हो 11th और 12th का, ठीक है। निम्न में से कौन सा जलीय विलयन प्रकृति में सार्य होगा? विच ऑफ द फ्लोविंग इक्वेशन सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर? सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट। प्रकृति में सार्य होगा, सिंपल, सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट, अंडे की
एल्बुमिन के आणविक द्रव्यमान को यथार्थता से निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्म निम्न में से कौन से अणुसंख्या गुणधर्म का उपयोग किया जाता है? प्रसरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन या फिर हीमांक का अवनयन, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। वाष्प दाब का सबक विलयन वाला चैप्टर केमिस्ट्री चैप्टर आपके सारे इंपॉर्टेंट है। ठोस अवस्था वाला, विलयन वाला, विद्युत रसायन, पृष्ठीय रसायन, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है ना। इजी चैप्टर है आपके। प्रसरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हीमांक का अवनयन और वाष्प दाब का सापेक्ष नियम, तो कौन से अणुसंख्या गुणधर्म का उपयोग किया जाता है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रसरण दाब, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वेपर विलयन का उपयोग शामिल करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ वेपर सॉल्यूशन? फिटकड़ी की तैयारी, चमड़े का चरम शोधन, टेंडिंग जिसको बोलते हैं, ऊर्वरक का विनिर्माण और रक्त का पेच बनाए रखना। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछते सर एक्सप्लेन क्या करो, अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें तो आपको दिमाग लगाना है। अब इसमें क्या चीज़ हमें समझने को नहीं आ रही आपको, सिंपल सी बात है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया बफर विलयन का उपयोग, बफर आप जानते हो, विलयन आप जानते हो, फिटकड़ी को जानते हो, टेंडिंग को जानते हो, ऊर्वरक को जानते हो, रक्त को जानते हो, फिर कहाँ समझाने हो, काफ़ी सारे कोई भी देख लो आप, आपको बस दिमाग लगाना है कि आपको पता है कि नहीं है। न्यूमेरिकल में हाँ थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, फॉर्मूला देखो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले, क्योंकि एग्ज़ाम में आप होंगे, आपके सामने एग्ज़ाम पेपर होगा, आपका दिमाग होगा बस, ठीक है, और कोई भी नहीं होंगे। और दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, जब आप हमारी वीडियो देखेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तभी तो आएगी ना। सो इसका राइट ऑप्शन देखा, रक्त का पेच बनाए रखना, ठीक है। चलो जी आगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हमको अभी। ये देखिए ये क्वेश्चन, टू एनओ प्लस सी एल, टू एनओ क्या बन रहा है, एनओ सी एल की अभिक्रिया दर को दर समीकरण के द्वारा दिया गया है। दर स्थिरांक का मान द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तापमान विवर्धी के द्वारा, यानी कि आपको पता होना चाहिए किसके ऊपर इफेक्ट करता है, सी एल टू की सांद्रता में वृद्धि, तापमान में कमी, एनओ की सांद्रता में वृद्धि। और गाइस ये क्वेश्चन भी आपको कम लग रहे हो ना, तो आपके लिए जीके एमसीक्यू एमके चैनल है, जाके फॉलो कर लेना, इसको लिंक नीचे दिया हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक हमेशा देते हैं इसका, जीके एमसीक्यू एमके का, वहाँ पर भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका तापमान में वृद्धि, दर इस तरह का मान तापमान में वृद्धि द्वारा बढ़ाया जाता है। चलो जी आगे, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अभिक्रिया हाफ एसिड टू बी के लिए ए के लुप्त होने की दर रेट ऑफ डिप्सेंस, बी के प्रकटीकरण की दर रेट ऑफ एब्सेंस से फ्रिंजीकरण द्वारा संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, पता है ना ये चीज़ें, सिंपल ऑप्शन फोर। बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है, अगर न्यूमेरिकल इसके जितने फॉर्मूले हम आपको अगर टाइम मिला तो वैसे प्रोवाइड करवाएंगे, अगर पोस्ट कर देंगे, बिल्कुल नहीं घबराना है। इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे हम डाल देंगे इसके फॉर्मूले केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, फिजिक्स के, ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हमको मिलेंगे वो हम आपको ज़रूर बताएंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा हो तो कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है, ताकि वहाँ पर आपको फॉर्मूले मिल जाए काफ़ी सारे न्यूमेरिकल के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, 92 यूरेनियम से 82 प्लेडियम तक नीचे जाने में कितने अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होते हैं, बताइए। एटम वाला चैप्टर, न्यूक्लियस वाला चैप्टर आपने उसे पढ़ा होगा, तो ईजिली आ जाएगा। अल्फा 4 बीटा 10, अल्फा 10 बीटा 4, अल्फा 6 बीटा 8, ऐसे क्वेश्चन बनते आपका दिमाग घूम जाएगा वहाँ, देखें ना, बट आप पढ़ोगे नहीं तब घूमेगा, अगर आप पहले ट्रेनिंग ट्रेंड हो तो नहीं घूमेगा फिर। अल्फा 8 बीटा 6, ऐसे एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन देता है, बट आप इंटेलिजेंट हो, क्योंकि जेक्लोन जो प्रोजन आप देखते हो तो आप टिक लगा दोगे सही कि अल्फा 8 और बीटा 6, ठीक है, और वैसे आपको सिलेक्शन हो जाएगा। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,